नए साल में उत्तर प्रदेश पुलिस को कुल 15,428 महिला पुरुष सिपाही मिले हैं जो कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। एक साथ प्रदेश में अलग अलग जिलों में दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ में महिला रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलामी ली। इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट भवन का भी शिलान्यास किया। राजधानी लखनऊ में 519 महिला आरक्षियों की दीक्षांत परेड की सलामी लेने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था की पूरे देश में चर्चा होती थी, लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद आज प्रदेश की पहचान उत्तम प्रदेश के रूप में होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले महिला सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगते आए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राज्य में होने वाली पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की हिस्सेदारी की जा रही है। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में बेटियां सहयोग कर रही हैं। 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी? प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, इस पर न केवल प्रदेश के अंदर बल्कि देश और दुनिया में भी प्रश्न खड़े हुए थे। और तब मार्च 2017 में हमारी सरकार ने तय किया था कि हम प्रदेश में होने वाली भर्ती की प्रक्रिया में 20% महिला और प्रदेश की बेटियों को स्थान देकर के इस रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मोर्चे पर जो प्रदेश आज से 5 वर्ष पहले एक प्रश्न प्रदेश बना हुआ था, आज वह देश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर पूरे देश का एक उत्तर प्रदेश बना हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने अपने कार्यकाल में पुलिस में 1.5 लाख भर्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ की है। प्रदेश पुलिस की क्षमता भी कई गुना बढ़ाई गई है। रेंज स्तर पर साइबर थाने और फॉरेंसिक लैब की स्थापना हुई है। इसके साथ ही प्रदेश के 4 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है, जिसके बेहतरीन परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। आज प्रदेश के अंदर इस निवेश के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरियों के सृजन की कार्रवाई हुई है कि जो प्रदेश कभी दंगा ग्रस्त हुआ करता था, अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए कभी कुख्यात हो चुका था, आज वही प्रदेश अपने बेहतर विकास की दर को आगे बढ़ा करके देश के अंदर बेरोजगारी दर पर सबसे अच्छी लगाम लगाने वाले प्रदेश के रूप में भी उत्तर प्रदेश आज जाना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षियों के दीक्षांत परेड के बाद सभी नव नियुक्त 15,428 महिला पुरुष सिपाहियों को बधाई और प्रदेश के हित में काम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भवन का शिलान्यास किया। इसके साथ ही राजकीय भवनों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए।